अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शराफत। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपना बर्थडे स्टेटस कैसे बनाएं। तो अक्सर हमारे दोस्तों ने भी लगाए होते हैं हमने स्टेटस, तो अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त हो तो हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए व्हाट्सअप स्टेटस बना के उसे खुश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से तरीका लेके आऊँ जिससे आप लोग को समझ आ जाए। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का तरीका लेके आऊँ जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली आप लोगों तक पहुँच सके। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सेम वही एप्लीकेशन है जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में यूज़ करता रहा हूँ, काइन मास्टर। ठीक है, तो हम काइन मास्टर अपनी ऑन करेंगे। ठीक है, काइन मास्टर एप्लीकेशन तो कुछ इस तरह सा इसका इंटरफेस आएगा। तो फिर मैं इस प्लस वाले आइकन में जाऊँगा। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहाँ वन बाई वन का पेज ले लूँगा। ठीक है, तो इस तरह ये पेज एक ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना है ये बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना। ठीक है, जहाँ तक आपने स्टेटस बनाया वहाँ तक आपने इस जो है ब्लैक बैकग्राउंड का इशू इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है अपनी लेयर में। ठीक है, जो मैंने लिंक दिया है जो भी इसमें मैं यूज़ करूँगा पेज वगैरह वो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आपने जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद मैंने डाउनलोड में, आपके पास भी डाउनलोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड में जाएंगे तो अब मैं इसे कर दूँगा, इसमें लूँगा एक वीडियो। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा सेंड टू बैक। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा सेंड टू बैक और इसको कर दूँगा मैं स्क्रीन। ये देखिए, इसको नीचे आ जाना, यहाँ पे लिखा होगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, तो यहाँ पे स्क्रीन कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना। मीडिया में जाने के बाद फिर एक ग्रीन स्क्रीन मिलेगी आपको। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर जाना है, ये देखिए, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर दिया, अब इसे कर देना ओके। ये देखें, यहाँ तक हमारा स्टेटस बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ये अभी हमने ग्रीन स्क्रीन ऐड की है इसको हम ऐसे एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ क्रोमोकी का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आपने क्रोमोकी में जाना है। क्रोमोकी में जाने के बाद यहाँ पर आपने एबल कर देना इसको। ठीक है, ये देखिए मैंने एबल कर दिया, अब इसमें ब्लैक बैकग्राउंड आना शुरू हो गया। तो अब आपने क्या करना है जी, ये देखें, यहाँ पे आपने एक मरतबा इसे प्ले करके देख लेना। ये देखें, ये अभी हमारा ब्लैक बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे फिर हमने जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने लेयर में जाएंगे, सॉरी, लेयर में जाने के बाद फिर हम चले जाएंगे मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद हमने अपनी तस्वीरें जहाँ पर भी रखी है आपने उस तस्वीरों को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास थोड़ी सी तस्वीरें पड़ी हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं कर लेता हूँ यूज़। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इसको यहाँ तक, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट में जाना है। ये देखें, थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको, थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है सेंड टू बैक। ये देखें, सेंड टू बैक लिखा है, तो यहाँ पे आपने सेंड टू बैक कर देना। अभी आप देखें स्टेटस कैसा बना है, मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस तस्वीर को थोड़ी सी पकड़ के लंबी तस्वीर कर देनी है, तकरीबन 8 सेकंड तक ही होगा मेरा ख्याल है यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ तक बन रहा है, तो इस तस्वीर को हम थोड़ा सा पकड़ के और जूम कर लेना। ठीक है, अब ये देखें ठीक है, यहाँ तक बन रहा है। तो अब इसमें और भी तस्वीरें ऐड करेंगे, ये देखें, जैसे कि अब ये हमारी पहली तस्वीर होगी है। ठीक है, ये देखें, अब
अब ये 7 या 8 सेकंड तक चलेगी, जहाँ तक ये चल रही है यहाँ तक हमने लेके चले जाना, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके साथ ही फिर एक और ऐड कर देनी, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। फिर लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाएंगे, मीडियम में जाने के बाद जहाँ पे भी आपके पास तस्वीरें पड़ी हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही है, मैं आपको अभी मतलब कि मैं आपको ना लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपनी वीडियो को स्किप, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा जी। तो मैंने ये सारी तस्वीरों को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तस्वीरें लगा के इसे सेंड टू बैक कर देना। अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारी वीडियो हमने इसको सेव कर लेना, ठीक है। सेव कैसे करेंगे ये देखें, ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, अब हमने इसी को कर देना सेव, ठीक है। ये थोड़ी सी देर लेगा यहाँ पर, तो जैसे ये एक्सपोर्टिंग हो जाती है तो फिर मैं आपको अगले वाला प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये देखिए अब हमारी एक्सपोर्टिंग हो चुकी है, तो हम फिर जाएंगे बैक, ठीक है, बैक फुल बैक चले जाएंगे। फिर हम जाएंगे वैसे ही वन बाय वन का पेज लेंगे, ठीक है। अब हमने इसका बैकग्राउंड रखना वाइट, ये देखिए वाइट रख लिया, ये देखिए, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखिए इसको जितना हमने स्टेटस बनाना है यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद मैंने जो लिंक दिया है आपने वहाँ पर चले जाना है, वो जो आपके पास लिंक होंगे इसको आपने इधर मूव कर देना, ठीक है, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे फिर इसकी जो रेशियो है इसे पकड़ के लंबा कर देना है, ठीक है। तो इसकी आप फिर जाएंगे लेयर में, लेयर में जाने के बाद मैंने काफ़ी सारे PNG दिए हैं, वो भी आपने ऐड कर लेने हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये वाला है, ये देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रख के इसे थोड़ा सा छोटी कर देनी है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर रखने के बाद नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में आने के बाद आपने इसे कर देना मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखें ये हमारी यहाँ तक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लिंक दिया है, ठीक है, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इसमें भी खुशी की दावत ही दी अपने दोस्त को कि आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, ठीक है। तो इसको ऐसे सेट कर लेना है, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद एक और उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने सारे जो भी लिंक है वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे मेरी वीडियो पूरा देखना है, फिर आप लोगों ने कहना जी हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे पूरी जो मेरी वीडियो है आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ आएगी। ये देखें इसको यहाँ पर हमने सेट कर लेना, ठीक है, और इसकी भी जो रेशो है इसे पकड़ के ऐसे थोड़े से बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अब हम फिर जाएंगे लेयर में, जो हमने एक्सपोर्टिंग की है अभी, मतलब जो सेव की है अपनी फ़ाइल, उसे हम लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे, उसी जो हमने एक्सपोर्ट की हुई है फ़ाइल उसको हम कर लेंगे यहाँ पे फिट, ये देखें यहाँ तक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे अब तो अब ये जो पहले स्टार्ट से वाइट कलर ब्लैक कलर आ रहा है हमने उसको कर देना ट्रिम, ठीक है। ये देखिए हमने इसे लेफ़्ट साइड से कर देना ट्रिम, तो ये जो इसको पकड़ के हमने साथ जोड़ देना। अब ये देखें हमारा कुछ इस तरह से स्टेटस बन रहा है, लेकिन जो हमारी जो बर्थडे वाली तस्वीर है वो सामने नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम इसी जो अभी वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया है उसको पकड़ेंगे, ठीक है। हम क्रोमोकी में जाएँ, क्रोमोकी में जाने के बाद इसे कर देंगे एबल, और एबल करने के बाद ये देखिए आपको कलर नज़र आ रहा होगा ये वाला ग्रीन। तो यहाँ पे आपने जाने के बाद इसे कर देना वाइट, ठीक है, ये देखें वाइट। तो अब आपने जो नीचे वाली रेशो है इसे पकड़ के सिफर कर देना है, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि इसे थोड़ी सी यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस, ये देखें अब हमारा होगी वीडियो तैयार, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से हमारा ये स्टेटस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरह के स्टेटस बना के अपने दोस्तों को हैरान करें कि हमें भी एडिटिंग आती है। तो इसी तरह भाई मेरे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आते रहेंगे, और फिर हम मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।